फिर निफ्टी में जैसे बताया था कि 20,200 पे भी एक हल्की फुल्की सपोर्ट है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर जिसने ट्राई किया तो उसने एक अच्छी रैली को एंजॉय की, और जहाँ 20,456 जहाँ मैंने ब्लैक लाइन लगाई थी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाकी रेजिस्टेंस है, तो वहीं पे जाके क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर हम मिड कैप निफ्टी देखें तो मिड कैप निफ्टी आपको बताया था इसके ऊपर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, तो एग्जैक्टली उसी के ऊपर ब्रेकआउट आया, और जहां मैंने रेड लाइन लगाई थी और जहां मैंने कहा था कि यहाँ रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो वहीं जाके रुके। तो एग्जैक्टली जैसे जैसे बताया था बिल्कुल वैसा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए, क्योंकि वहां पर जो हम सुबह सुबह पूरी पिच क्लियर करते हैं वो आपके बड़े काम की है। उसके अलावा नीचे जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग को इंजॉय कीजिए और हमारी भी उसमें हेल्प कीजिए। तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले रुपये पर। रुपये में आपको बता ही रखा है यहाँ रेजिस्टेंस है यहाँ सपोर्ट है, भैया इसमें अपने आप लगे रहो, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉक्स में आते हैं, तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हमारा काम है चार्ट को बताना कि इस चार्ट में ये हो रहा है। इसके चार्ट में क्या है, पीनेट फ्लैग पे ब्रेकआउट और लगातार ब्रेकआउट पे है बजाज ऑटो, ठीक है। दूसरा जो स्टॉक है SBIN, जिसने खूब आज भी धूम मचाई और फ्लैग पे ब्रेकआउट आया, तो आपको पता ही है मैंने उस अपने चैप्टर में सिखाया हुआ है कि जब फ्लैग पे ब्रेकआउट आता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे 5% जितना यहाँ से यहाँ होता है कैसे 5-5% को काउंट करना है, तो वो उस पूरे लेक्चर को उसको रीड कीजिए। अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में जहाँ आपको कल भी समझाया था वहाँ मैंने लिख भी दिया है मोटा मोटा कि यहाँ सपोर्ट 20,200 से 234 ये एरिया सपोर्ट, अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेती है तो 264, 286, 354, 383 और 410 और 444, मतलब यहाँ से 20,200 से 20,450 तक का पैकेज है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे है हल्का फुल्का रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो इसके ऊपर एक हल्का फुल्का ब्रेकआउट पॉसिबल है, बड़ा ब्रेकआउट नहीं, छोटी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है 20,500, 535 और उसके बाद 20,596 और 660, 660 पे एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रहे 20,600 से 660 ये सारा एरिया ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अकेला ये नहीं है रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, तो इस पूरे एरिया में ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम है तो इसमें यहाँ ज़्यादा पंगे मत लेना, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी को ज़्यादा ऊपर की ओर घसीटती है, तो इसलिए बैंक निफ्टी पे हमेशा नज़र रखा करो अगर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो आप। और फिर अगर मान लीजिए ये एरिया निकल गया तो फ्रेश ब्रेकआउट जो बनेगा वो 20,810 के ऊपर बनेगा और फिर 943 और 21,094 इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। तो ये था फिन निफ्टी का पूरा प्राइस एक्शन। उसके बाद आता है मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी में क्या है, अब मिड कैप निफ्टी में जो 10 MA है 10,760 पे है और 20 MA है 10,677, तो यहाँ कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनती, सपोर्ट यही है 10,540 पे। तो 10,540 पे अगर मिड कैप निफ्टी सपोर्ट लेती है तो 630, 677, 723, 760, 800, 864 और 900 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। और ब्रेकआउट अब फ्रेश जैसे आज बताया था 822, अब कल के लिए जो फ्रेश ब्रेकआउट होगा वो 10,912 के ऊपर बनेगा, शॉर्ट कवरिंग बनेगी, जो 10,900 पे जो कॉल राइटर खड़ा है वो फंसेगा, तो ऊपर जो बनेगा शॉर्ट कवरिंग तो ऊपर के जो लेवल रहेंगे 10,937, 980, 11,047, 11,100 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम रास्ते में करेंगे। तो ये था मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का कंप्लीट प्राइस एक्शन। बाकी सारी बातें मैंने बड़ी जो वीडियो दूसरी है निफ्टी बैंक निफ्टी में सारी समझा दी है कि क्यों मार्केट में इतना मोमेंटम है, क्यों मार्केट भाग रही है, इवन कि जो सारा डाटा है वो खराब है फिर भी हमारी मार्केट खूब भाग रही है, तो उसका कारण रीजन सब डिटेल में मैंने दूसरी वीडियो में समझाया।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।